बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। लेसन नंबर 12 है आज हमारा, जिसका टॉपिक है स्पीच। टॉपिक की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्पीच क्या है? अ की रोल टू मेक अ गुड स्पीच इज टू कीप इन माइंड डेट ऑडियंस कैन मोस्ट अबाउट थिंग दैट डायरेक्टली अफेक्ट देम। स्पीच वो होती है जब आप लोगों के सामने खड़े होकर कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि लोगों को मुतासिर करती हैं। हमेशा अच्छी स्पीच करने वाले की ही स्पीच लोग सुनते हैं। आप कोई मदरसे मस्जिद में चले जाए या फिर यहाँ पे यूट्यूब पे, वही मौलवी सुनना पसंद करेंगे, वही मौलाना सुनना पसंद करेंगे जो अच्छी स्पीच कर रहा हो, जो अच्छा बोल रहा हो, वो लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि उसकी बात जो होती है वो दिल को जाके भी लगती है और लोग उसे गौर से सुनते हैं। बहुत से लोग अब फलाँ मस्जिद में विज़िट करते हैं कि यहाँ पे फलाँ मौलाना बड़ा अच्छा जुम्मा पढ़ाते हैं, जुम्मे का खुतबा बड़ा अच्छा करते हैं। तो ये जो स्पीच होती है ये ऑडियंस के साथ डायरेक्ट लिंक होते हैं और जो ऑडियंस को तरफ अपनी तरफ मतवज्जे करती है और ऑडियंस पे अपना पूरा पूरा असर रसूख होती है, ये डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर होती है। अब स्पीच के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑडियंस किन चीज लफ्ज़ों से मिलकर बना है और उस ऑडियंस का, क्योंकि स्पीच जो करने वाला होता है उसका जो होता है सुनने वालों की तरफ पूरा पूरा, उसके पास पूरा पूरी एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके सुनने वाले कौन हैं, ताकि वो अपने स्पीच से उन्हें पूरे पूरे मुतासिर कर सके। ठीक है, अब ऑडियंस किस लफ्ज़ से मिलकर बना है और उसके एक एक वर्ड्स की क्या मतलब है, एक एक अल्फाबेट का क्या मतलब है। ऑडियंस ए, कौन आपके सुनने वाले कौन है। ठीक है, सबसे पहला सवाल इसमें ये आएगा कि आपके सुनने वाले कौन है। ठीक है, और वो किस तरह से आपके इवेंट में आएगा, उनकी साइज ऑफ द मीटिंग क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग है, आपकी मीटिंग कैसी है, जिन लोगों के साथ आपकी मीटिंग हो रही है, समझ रहे हैं कि जुम्मे का खुतबा है वो फॉर्मल तो नहीं, वो इनफॉर्मल तो नहीं ना, तो फॉर्मल होता है। इसमें कौन से लोग होते हैं, आपके एरिया के, आपकी कॉलोनी के सारे लोग होते हैं। ठीक है, और उसके सुनने वाले कौन होते हैं, अनपढ़, पढ़ा लिखा, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, सब होते हैं एक मौलवी के लिए। ठीक है, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। A large audience also means that you may have to work with a microphone. अगर तो आपके पास audience बहुत ज़्यादा है तो आपको microphone का इस्तेमाल करना पड़ता है, and that you may need some way of making your voice at large enough to be seen. आपको अपनी आवाज़ को इतनी दूर तक पहुँचाना होता है, इतनी जितनी के गैदरिंग है जहाँ तक आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सियासी जलसों की भी मिसाल ली जा सकती है, वहाँ पे भी सुनने वाले हर किस्म के लोग होते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद होती है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, हर शोभा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं। ऑडियंस का अगला अल्फाबेटिक जो है वो यू है। यू से क्या लिया है, अंडरस्टैंडिंग। ए से क्या था, ए से ऑडियंस लिया है। यू से क्या है, अंडरस्टैंडिंग। What is their audience? आपकी audience कैसी है, उनके पास knowledge कितना है about the topic, जो topic आप discuss करने जा रहे हैं, क्या उनके पास इसके बारे में कोई topic के बारे में कोई knowledge भी है या वो बिल्कुल blank है। How much does the audience know? उस topic के बारे में audience कुछ जानते भी हैं कि नहीं जानते। If they know some nothing, अगर तो वो कुछ भी नहीं जाने, you have to worry about getting over their leads, तो आपको उनको लीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इफ़ दे नो अ लॉट, अगर तो वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, जैसे क्लास में एक टीचर आता है, ठीक है, अब उसके पता है कि पीछे बच्चों ने 10-11 लेसन पढ़ लिए हैं, अब 10-11 लेसन के बाद थोड़ा सा मटेरियल होगा उनके पास, अब उसको फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेगा। लेकिन जब आप फर्स्ट क्लास में आते हो तो आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता उस टॉपिक के बारे में, उसके सब्जेक्ट के बारे में, तो टीचर को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आगे जाके टीचर को प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उसके बाद ये कि यू विल हैव टू वरी अबाउट नॉट बोरिंग देम। अब आपको इसको भी यही, ये भी वरी होती है कि जाहिर है एक चीज़ के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बोर भी हो सकते हैं। डी से क्या बोल रहे हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर, कि आपका डेमोग्राफिक कैसा है। ठीक है, उसके बाद एज,
एज क्या है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो एक जलसा होता है वहाँ पे बच्चे बूढ़े जवान ख़वातीन मर्द औरत सब होते हैं। अब ये एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उसमें उसी इंटरेस्ट के अब जो एक 20 साल नौजवान है उसकी जो थिंकिंग लेवल, उसका मोटिवेशनल लेवल, उसका इंटरेस्ट लेवल जो है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द पर्सन ऑफ दैट हैव द एज ऑफ 70। ठीक है, 70 ईयर ओल्ड, जिसकी उम्र 70 ईयर ओल्ड है उसकी जो है जज्बात ऐसा साथ बदल चुके होते हैं। ठीक है, एक नौजवान होता है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होता है, उसको मोटिवेट कर भी सकते हैं आप लोग, उसके जज्बाती सा होता है, उससे होता है जुनून सा होता है उसके पास। ठीक है, तो जो एज है वो भी मैटर करती है कि जो स्पीकर है उसको इस बात का भी ख्याल रखना है कि मुझे ऐसी बात करनी है जिस तरह के एज के लोग बैठे हुए मेरे सामने। ठीक है, एजुकेशन लेवल, इनका जो बैठे हुए इनका एजुकेशन लेवल क्या है। अक्सर मजदूरों के साथ, किसानों के साथ मीटिंग हो रही है तो फिर किसानों वाली लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, किसानों की तरह हमें उनके बारे में बताना पड़ता है। अच्छा, आपकी बीज फसल कैसी जा रही है, अच्छा गन्ने की फसल जा रही है, कितना मुनाफा, अब वो टर्म्स यूज़ करेंगे आप लोग। ठीक है, अब किसानों के साथ बैठ के आप सेहत के शोबे के प्रॉब्लम तो नहीं ना डिस्कस करना शुरू कर देंगे। एजुकेशन लेवल, इज़ योर ऑडियंस फिल्ड विद पीपल, ठीक है, क्या आपकी जो ऑडियंस है ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिसके पास एडवांस डिग्री है, और या फिर कुछ और दे मेनली हाई स्कूल ग्रेजुएट्स, या वो सिर्फ हाई स्कूल पढ़े हुए हैं या सिर्फ ग्रेजुएट्स हैं। ऑक्यूपेशन का जो है, ये ऑक्यूपेशन की मिसाल मैंने एजुकेशन के साथ दे दी है कि वो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका जॉब्स क्या करते हैं वो लोग। अब किसानों के साथ बैठ के अब सेहत के शोबे की बात नहीं कर सकते। जेंडर क्या, उन लोगों की फीमेल की जो अक्सर फीमेल के सेमिनार्स होते हैं जिसमें फीमेल को गाइडेंस की जाती है फीमेल के बारे में होते हैं। ठीक है, अब फैशन शो में मर्द हजरात तो ना जा सकेंगे कि फैशन शो में देख सके कि लेडीज का ये नया स्टाइल चल रहा है, वो वाला स्टाइल चल रहा है, वो ड्रेस का स्टाइल चल रहा है। तो आपकी ऑडियंस पूरी पूरी डिपेंड करती है कि आपका स्पीकर को उसी तरह ही वही टॉपिक डिस्कस करना होता है, उसी तरह की ऑडियंस भी चूज की जाती है। मैरिटल स्टेटस क्या है, जाहिर सी बात है एक सिंगल बंदा है, उसकी जो है फीलिंग्स कुछ और होती हैं, उसकी जो लाइफ स्टाइल होता है वो कुछ और होता है, लेकिन एक मैरिड बंदा होता है उसके पास उसका लाइफ स्टाइल कुछ और है। दो मैरिड औरतें बैठ जाएंगे तो यही डिस्कस करेंगे, हाँ मेरे बच्चे सुबह उठते हैं, वो नाश्ता करते हैं, वो बड़ा जिद्दी है, उसकी शरारतें ये, वो पढ़ता नहीं, इसके लिए कोई टिप्स बता रहे हैं, इस तरह की बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सिंगल लोग होते हैं उन्हें अपनी लाइफ की जो शौक चंचल सी लाइफ होती है उससे फुर्सत नहीं मिलती। ठीक है, वो अपनी बातें करेंगे, तो ये भी डिफर जो है ये भी काउंट होता है। रिलीजियन क्या है, इसकी एग्जांपल मैं पीछे भी दे चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप किसी मुस्लिम मेजॉरिटी में बैठे बाइबल के बारे में बता रहे हैं, बाइबल की कोई बात बता रहे हैं तो उन्हें इफ़ेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, जुमे का खुतबा हो रहा है तो उसमें मुसलमान लोग ही बैठेंगे तो मुसलमान लोग जो है कुरान और हदीस की बात बड़े शौक से जुनून से एहतराम से सुनेंगे कि आपके बाइबल की बात नहीं सुनेंगे इतनी गौर से। उसके बाद आपके आ जाते हैं कि आपके जो नस्ल है, कल्चर है, उसके बाद जो बैकग्राउंड है हमारा आपका, वो भी आपके डिपेंड करता है, वो भी आपका इफ़ेक्ट करता है, ये भी एक फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर ऑडियंस रूरल और अर्बन, आपकी ऑडियंस देहाती इलाकों से शहरी इलाकों से, इसी के अकॉर्डिंग आपको स्पीच करना होती है। ग्रुप मेंबरशिप क्या है उनकी, ठीक है, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसमें एग्जांपल दी है मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस बिलोंग्स टू एन इंजीनियरिंग से हैं या किसी और चीज़ से हैं, तो फिर इंजीनियरिंग जो है उसी से रिलेटेड लोग ही उसी के साथ खिताब कर सकेंगे और वही उसको अच्छे से पूछ समझ सकेंगे। अब हॉबीज़ इंटरेस्ट क्या है, हर किसी हॉबीज़ इंटरेस्ट कुछ और होता है, लोगों का कुछ और होता है, तो उसके मुताबिक भी ये भी एक चीज़ काउंट की जाती है। इफ़ द ऑडियंस इज कंपोज्ड ऑफ पीपल हु आल शेयर अ पोजीशन टू कंप्यूटर्स, ठीक है, अगर तो कंप्यूटर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले उनका हॉबीज़ जो होता है कंप्यूटर होता है, ठीक है, किसी का हॉबी कुछ और होता है, तो ये हॉबीज़ के ऊपर भी आप उसके ऊपर बातचीत करेंगे, लोग ज़्यादा तवज्जो, ये ऑडियंस इसलिए मैटर कर रही है कि वो आपके जो है आपका जो हो रहा है ना उसको ज़्यादा गौर से सुन सकेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा आ जाता है जो नेक्स्ट फैक्टर हमारा काउंट होगा वो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग है कि आर यू गोइंग टू स्पीक इन अ फॉर्मल लेक्चर, ठीक है, का हॉल क्या है। उसके बाद है कि
के जो लेक्चर हॉल हैं और बैम्पर हॉल है, विल यू बी स्टैंडिंग अप एट अ मीटिंग, क्या मीटिंग के लिए स्टैंड हो, द फॉर्मेलिटी ऑफ द सिटिंग विल हैव अ डेफिनेट इफेक्ट ऑन द एक्सपर्ट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑडियंस एंड आल्सो हाउ यू शुड अप्रोच योर स्पीच, फॉर्मल सी है या इनफॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका सिटिंग एंड विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या है, आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ आपको विजिबिलिटी, जहाँ पे लोग आपको देख पा रहे हैं, आपके फिजिकल अपीयरेंस हो रही है या नहीं बैठे, ठीक है, कैसी जगह पे बैठे हो, आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर कैसा है, वो भी डिपेंड करता है इसके ऊपर कि आपका रूम का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। इफेक्ट ऑन द ऑडियंस, इफ द रूम इज टू वार्म, अगर तो रूम बहुत ज्यादा वार्म है तो लोग सो रहे होते हैं, माहौल भी कुछ ऐसा होता है कि लोग सो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रक्शन, आपकी जो नॉइस कॉज डिस्ट्रक्शन, आपकी नॉइस के अंदर कोई डिस्ट्रक्शन ना आ जाए, कोई लार्ज विंडो बनी हुई है, व्हेन पीपल विल बी पासिंग बाय, और कुछ अक्सर जगह पे ऐसे होता है कि लेक्चर हो रहा होता है अगर, तो आपका स्कूल कॉलेज या अकेडमी जो होती है ऐसी जगह पे होती है जो गली मोहल्ले में होती है, तो बाहर से जो कोई सेल वाला गुजर रहा होता है तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम हो जाती है और लेक्चर डिस्टर्ब हो जाता है और कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है कि ना नीड्स, व्हाट आर द लिसनर, नीड्स में आ जाते हैं कि लिसनर की नीड्स क्या है और आप क्या सुनना चाह रहे हो, व्हाट आर द लिसनर लिसनर्स नीड्स, व्हाट आर योर नीड्स, ठीक है, लिसनर क्या सुनना चाह रहा है और आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद है कस्टमाइज्ड, हाउ कैन आई कस्टम फिट माय मैसेज टू द ऑडियंस, उसके साथ क्या कर रहे हो। उसके बाद है एक्सपेक्टेशन, व्हाट डू द लिसनर्स एक्सपेक्ट टू लर्न, ठीक है, फ्रॉम मी, व्हाट डज द ऑडियंस एक्सपेक्ट ऑफ यू, द अच्छा उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या स्पीच करना चाह रहे हो। अच्छा सर, अंडे टमाटर भी पढ़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो आप उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरते, ये सारी चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर होता है।